आदरणीय भाइयों एवं बहनों, सारासा की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 114वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में एक रिटायर्ड दंपत्ति का टाइम पास कैसे होता है पर प्रकाश डाला गया है। आगे साउथ कर्नाटक में चला चाम्बरा राजा नगरा की यालेंदूर टाउन, जिसका म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा रख रखाव किया जाता था। म्यूनिसिपल बोर्ड कार्यालय अंजना स्वामी मंदिर के समीप था। वहाँ एक नारायण राव नाम का व्यक्ति जल विभाग में कार्यरत था। दो विंडो थीं, एक नल के नए कनेक्शन हेतु जानकारी व फीस जमा करना, दूसरी विंडो में जल के बिल जमा किए जाते थे। नारायण राव की ड्यूटी नल के नए कनेक्शन व संबंधित जानकारी देने हेतु विंडो पर ड्यूटी लगी थी। नारायण राव के परिवार में एक अदद पत्नी थी, बस कोई संतान सुख भगवान द्वारा प्रदान ही नहीं किया था। फिर भी नारायण राव बहुत हंसमुख प्रसन्न चित्त बना रहता था। किराए का घर कार्यालय से करीब 1 किलोमीटर दूर था। नारायण राव का नित्य नियम था कि एक थैली में लोटस के फूल व सेब रखता था और कार्यालय के ये पैदल ठीक सबन वही चलता था। रास्ते में जो भी जरूरतमंद दिखता था, रुककर एक कमल का फूल और एक सेब देकर आई लव यू, लाइक एंड रेस्पेक्ट यू डियर कहकर आगे बढ़ जाता। अगर फूल या सेब बच जाते तो कार्यालय के गार्ड, पियोन या स्टाफ को भी भेंट करता था। पूरा कार्यालय उसके बहुत प्यार करता था। अब नारायण राव ऑफिस से रिटायर हो चुके थे। उन्हें फिल्म टीवी देखने में कोई रुचि नहीं थी, अखबार किताबों में भी कोई रुचि नहीं थी, यहाँ तक कि मोबाइल भी उनका सादा था जिसमें वाईफाई सुविधा नहीं थी। एक दिन उनका प्रिय मित्र उनसे मिलने आया। चाय पानी पीने के बाद उसने प्रश्न किया कि नारायण, आप टाइम पास कैसे करते हैं? तुम्हें तो कोई शौक न पढ़ने का, न पढ़नी टीवी में रुचि, नहीं आध्यात्म में कोई रुचि, आखिर तू टाइम पास कैसे करता है? नारायण राव को अपने मित्र के खोज खोज कर गहराई में जाकर बेमतलब पूछताछ करने की आदत अच्छे से याद थी। अतः नारायण राव ने कहा, अच्छा बतलाता हूँ, चलो एकदम ताज़ा कल की बात। मैं और मेरी पत्नी बाजार गए, बाजार में हीरा लाल पन्ना लाल ज्वेलर्स के शोरूम पर। अंदर जाकर मात्र 5 मिनट में बाहर आ गए। बाहर आकर देखते हैं कि दुकान के सामने पार्क की हुई कार के पास ट्रैफिक पुलिस का सिपाही खड़ा हुआ, हाथ में चालान बनाने के लिए रसीद बुक लिए। उसके निकट जाकर हम दोनों घबरा कर उसके सामने विनती करने लगे, भैया जी, मुश्किल से 5 मिनट के लिए ही तो शोरूम में गए थे, प्लीज इस बार छोड़ दो। तो वह कहने लगा, सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं, खुद की गलती कोई नहीं मानता, इसलिए जब 1000 रुपये की रसीद कटेगी तब अगली बार गलती नहीं दोहराओगे। प्रत्युत्तर में हमने कहा, भैया जी ऐसा नहीं है, मानते हैं हमसे गलती हुई है, भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। और फिर 1000 रुपये भी तो बहुत ज़्यादा होते हैं, हम तो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, हमारी उम्र भी तो देख लो, लाखों की गाड़ी चला रहे हो, बड़े बड़े शोरूम पर खरीदारी कर रहे हो, कानून भी तोड़ते हो, फिर भी 1000 रुपये आपको ज़्यादा लग रहे हैं? चलिए, बुजुर्ग होने के नाते इस बार सिर्फ 200 रुपये लेकर छोड़ देता हूँ। अच्छा तो उन 200 रुपये की रसीद तो मिलेगी? मैंने बड़ी मासूमियत से पूछ ही लिया। तभी हवलदार उनके ऊपर तभी हवलदार मेरे ऊपर भयंकर नाराज हो गया। बोला, ओ काका जी, रसीद चाहिए तो 1000 की मिलेगी, 200 की कोई रसीद नहीं मिलेगी। नारायण राव तपाक से बोले, ऐसे कैसे, पैसे देने पर रसीद नहीं दोगे क्या? सब कुछ नियम कायदे से नहीं होना चाहिए क्या? साहब बोलो कि तुम्हें रिश्वत चाहिए। नारायण राव की इस पर शब्द में बोलते ही हवलदार बहुत भड़क गया और बोला, अच्छा ये बात है, नियम कायदे से चाहते हैं सब कुछ, तो ठीक है,
मैं तो सोच रहा था वृद्ध लोग हैं, थोड़ा रियायत कर देते हैं, लेकिन आप तो उल्टे ही मुझे कायदे और अकल सिखाए चल पड़े। चलिए अब तुम्हें सारे नियम कायदे बताता हूँ। अब हाथ धोकर गाड़ी का मुआयना करने लगा। एक मिरर टूटा हुआ है, पीछे वाली नंबर प्लेट स्पष्ट नहीं है, आदि आदि करते करते मामला 2-3 हज़ार तक पहुँच गया। यदि मैंने पत्नी से हवलदार के सामने ही, सुनो जरा तुम भी बोलकर देखो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। पत्नी हवलदार से कहने लगी, भाई ऐसे नाराज मत हो, इनकी बात का बुरा मत मानो, छोड़ो भी, ये तो सठिया गए हैं, ये लो 200 रुपये पकड़ो। लेकिन वो हवलदार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, बोला, माता जी मुझे नहीं चाहिए आपके 200 रुपये, अब तो रसीद ही कटेगी। अगले 7-8 मिनट यही सब चलता रहा। पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती रही और वह कमक सिपाही रसीद फाड़े बिना मानने को तैयार नहीं। दोस्त ने कहा, और बाप रे, 200 रुपये बचाने के चक्कर में इतनी बड़ी बात बढ़ गई, फिर क्या किया आप लोगों ने? कुछ नहीं, तभी हमारी बस आ गई, उसमें सवार हो। बीच रास्ते में एक और ऐसे ही घटना का अंजाम देकर घर लौट आए। हैं फिर गाड़ी, वो चालान और रसीद का क्या हुआ? अरे वो हवलदार, दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था, वो गाड़ी वाला जाने और हवलदार जाने, हमें क्या, गाड़ी हमारी थी ही नहीं, हम तो बस से गए थे। तुम अभी पूछ रहे थे ना कि टाइम पास कैसे करते हो, वही बता रहा था। हम बस में चढ़े तब हवलदार का चेहरा देखने लायक था, जैसे इस समय तुम्हारा चेहरा देखने लायक हो गया है, बिल्कुल वैसा। नारा राम ने कहा कि कहो तो आगे वाली स्टोरी भी बदलावें, बस से बीच रास्ते उतरने के बाद की। दोस्त ने कहा, नहीं मैं सब समझ गया अब, और नहीं। भाइयों मेरी कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट्स फॉलो देकर, धन्यवाद।